तो गाइस यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती हैं, देख सकते हो यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, मेरे सामने देख सकते हो यहाँ पे। और तो गाइस कितना बड़ा डायनासोर है देख सकते हो, इसके अंदर बच्चे हैं। तो गाइस नेक्स्ट अजूबे पे पहुँच चुके हैं और रियो रेडीमेर का यहाँ पे स्टैचू है देख। गाइस सेल्फी पॉइंट में तो MCD लिखा हुआ है पूरा और जितना भी है, और कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हो गाइस। तो हम लोग जी क्या हालचाल भाई लोगों के, भाई लोगों तुम्हारे बीच में तुम्हारा भाई वीडियो लेके आ चुका है वेस्ट ऑफ वंडर में, जो कि सराय कालिका में है। यहाँ पे आपको 7 अजूबे देखने को मिलेंगे। अगर आप बाहर कंट्री में नहीं जा सकते तो यहीं पे आओ और 7 अजूबे देखो। इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक जानकारी शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अंदर चलते हैं। तो चलो 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 चलो। तो गाइज वेस्ट ऑफ वंडर के राइट साइड में आपको टिकट मिल जाएंगे। टिकट के प्राइस कुछ इस प्रकार हैं देख सकते हो, नॉर्मल डेज में जो है वो 50 रुपीज़ है, संडे को 100 रुपये हैं, बाकी बच्चों के 25 रुपये हैं और संडे को 100 रुपये हैं, बाकी अदर स्कूल के ग्रुप के जो भी हैं 20 रुपीज़, 40 रुपीज़। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टूडेंट के लिए देख सकते हो बिल्कुल फ्री है, पढ़ लो बाकी आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका। तो गाइज टिकट हमने ले ली है, टिकट हमें पड़ी है 50 रुपये की और बाकी ये 4 घंटे तक वैलिड है। बाकी सामने चलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर में और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। तो गाइज अंदर हम आ चुके हैं, अंदर से लुक कुछ इस प्रकार है देख सकते हो मेरे सामने। और यहाँ बच्चे कार राइडिंग कर रहे हैं देख सकते हो, राइड वगैरह ले सकते हो, इसके अलग से चार्ज पड़ेंगे आपको। और तो गाइज ये कैफेटेरिया है पूरा और देख सकते हो सामने लिखा हुआ है, बाहर का फूड अलाउ नहीं है अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ हिसाब इस प्रकार है, तो यहाँ आराम से बैठ के आप कुछ भी खा पी सकते हो। और जो कैफेटेरिया को जो लुक दिया गया है रेस्टोरेंट को, यहाँ स्टीम इंजन का लुक दिया गया पूरा, कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हो। तो बाहर से खाना बिल्कुल ना लाएं, बाहर ही आपका खाना रख दिया जाएगा, अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। गाइस ये कुछ मेनू है देख सकते हो कैफेटेरिया का, ये प्राइस है यहाँ पे, ये सब मिलेगा आपको यहाँ पे। तो गाइस अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ट्री दिख जाएंगे जिनको बढ़िया से यहाँ पे कवर किया गया है देख सकते हो, लोहे से कवर किया गया है, जाली लगी हुई लोहे की। और यहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल कर सकते हो। और आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे, बाकी जब इसका उद्घाटन हुआ होगा तो ये मुख्य अतिथि जो थे यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए कौन कौन थे। और टाइमिंग्स भी यहाँ पे दी गई हैं। और आप आगे देखेंगे फाउंटेन दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं अपनी, क्लिक कर सकते हैं फ़ोटो। और आगे चलेंगे, सेल्फी पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको सामने। तो गाइस सेल्फी पॉइंट में तो MCD लिखा हुआ है पूरा और इसका फुल फॉर्म हो गया मुकेश चंद डोंडियाल, मेरे नाम का ही फुल फॉर्म बन गया इसका तो। और बाकी यहाँ पे एक स्कूटर है, स्कूटर देख सकते हो, यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले सकते हो आप। और आगे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे खजूर के पेड़ भी लगे हुए हैं देख सकते हो ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से कपल वगैरह बैठे हुए हैं। और आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको। तो गाइज अंदर आते ही 7वें अजूबे में पहला अजूबा ये है देख सकते हो, खोपू का क्षितिज, और ये कुछ इस प्रकार दिखता है। और ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है देख सकते हो, अंदर मतलब पूरा खोखला है ये, और बाहर से इसमें लोहे की चादर डाली गई है। बाकी इसको बिल्कुल यहाँ से जंजीर वगैरह से कवर कर रखा है ताकि अंदर कोई जाए ना। तो देख सकते हो एंट्री करती पहला तो आपको ये दिखेगा, इसकी कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं, आ जाओ ये देख लो सामने, इसकी कुछ जानकारी दी गई है तो उसको पढ़ लीजिए आप। ये है कुछ इस प्रकार, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है दोनों में है, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। बाकी ये देखिए इसकी हाइट वगैरह सब कुछ, इसके बारे में डायमेंशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। बाकी आगे चलते हैं भाई लोगों। तो गाइस दूसरे अजूबे की तरफ आ चुके हैं और ये देख सकते हो आप डिटेल में इसको, और ये मीनार जो है वो झुकी हुई है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको दिखाते हैं। पूरी जानकारी देंगे डिटेल में आपको इसके बारे में। तो ये पढ़ लीजिए आप, ये कुछ जानकारी है इसके बारे में देख सकते हो। और यहाँ पे तो पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो हवा भी काफ़ी बढ़िया चल रही है और यहाँ पे ना कपल के लिए काफ़ी बढ़िया प्लेस है ये रहने वाला है। बाकी यहाँ पे देखो आराम से सीटिंग अरेंजमेंट है, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो गाइस बाकी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस घूम रहे हैं और ग्रीनरी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है दिल्ली का आज, और बारिश भी होने वाली है, सुबह बारिश भी हुई थी। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, मेरे सामने देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। बाकी आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे, ये देख सकते हो, उसको बैक साइड से भी दिखाता हूँ मैं कैसा दिखता है। ये सारा वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है जितना भी है गाइस ये। बाकी यहाँ पे देखो चेयर की क्या हालत कर रखी है चिड़िया कौओं ने। बाकी ये देख सकते हो ये है कुछ हिसाब, बैक साइड से देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये अंदर से पूरा खाली है, बाहर से इसमें परत लगी हुई है देख सकते हो पूरी, जो भी है वेस्ट मटेरियल सारा उससे बनाया गया है गाइस, काफ़ी बढ़िया है ये। तो यहाँ पे आप आए घूमने के लिए अपने कपल वगैरह जो भी हो, आप फ्रेंड के साथ कपल के साथ किसी के साथ भी आ सकते हो, फैमिली के साथ, काफ़ी बढ़िया प्लेस रहने वाला है आप लोगों के लिए। बाकी इसकी जानकारी डिटेल में दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हो मेरे सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल्स देखो सारा यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए आप, और साइड में इसकी हाइट वगैरह वेट वगैरह जो भी है सब कुछ दे रखा है। लेकिन काफ़ी गंदा हो रहा है भाई, ये सफाई नहीं होती इसकी लगता है, तो पढ़ लो इसको। तो गाइस यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है देख सकते हो, यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और इसकी भी अलग से टिकट लेनी पड़ेगी आपको, तो ये आपके बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। देख सकते हो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे सामने एफिल टावर है देख सकते हो, और कुछ इसकी जानकारी सामने दी गई है, इसको पढ़ लीजिए आप। जितना भी है पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है गाइस। बाकी यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं लोग, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो गाइस नेक्स्ट अजूबे पे आ चुके हैं, और रियो रेडीमेर का यहाँ पे स्टैचू है देख सकते हो, और कुछ इस प्रकार है, सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है जितना भी ये स्ट्रक्चर है। बाकी यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो, यहाँ पे आराम से बैठ के आप चिल कर सकते हो, बाकी कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो गाइस रियो रेडीमेर की कुछ जानकारी है यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी जानकारी इसमें दी गई है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बाकी इसका स्ट्रक्चर हाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो गाइस अपने नेक्स्ट अजूबे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैठ सकते हो सामने, यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, और सामने मेरे हैं ताजमहल देख सकते हो, सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है जितना भी है, और कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हो गाइस, यहाँ सेल्फी वगैरह ले सकते हो आप, पिक्चर क्लिक करा सकते हो, लोग करा रहे हैं देख सकते हो। बाकी आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे और क्या क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। बाकी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है ताजमहल की, वैसे सबको जानकारी है ही, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, जिसको नहीं है वो भी इसको पढ़ सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जानकारी दी गई है भाई। बाकी यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह जो भी है वेट वगैरह है सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। तो गाइज मेरे सामने है कोलोसियम देख सकते हो, ये भी सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे भी लोग सेल्फी ले रहे हैं, और आगे चलेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आपको हम। कोलोसियम की कुछ जानकारी है देख सकते हो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिटेल, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, हिंदी इंग्लिश दोनों में है गाइस। बाकी इसकी हाइट वेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। तो गाइस सबसे मेन बात ये है ना, यहाँ पे कपल के लिए काफ़ी बढ़िया प्लेस है, यहाँ पे आओ बैठो चिल मारो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे कपल ही कपल आपको दिखेंगे। बाकी ये जो कोलोसियम है काफ़ी बढ़िया है, जानकारी तो इसकी मुझे है नहीं वैसे, बाकी यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है,
देख सकते हो। तो गाइस और आगे आ चुके हैं, यहाँ पे डायनासोर ही डायनासोर आपको दिखेंगे, देख सकते हो यहाँ पे एम्बेसडर गाड़ी को भी डायनासोर में कन्वर्ट कर रखा है, देख सकते हो। और सारा वेस्ट मटेरियल से है, यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हो आप। यहाँ पे हमारे भाई गाड़ी चला रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से चढ़ सकते हो आप, ऊपर जाके सेल्फी वगैरह ले सकते हो भाई। तो ये भी फ्री है, इसमें कोई अलग से चार्ज नहीं है सेल्फी लेने के। सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है देख सकते हो, ये मूवमेंट भी कर रहा है डायनासोर और इसमें साउंड भी आ रहा है। ये देखो अंदर स्पीकर लगा रखा है देख सकते हो भाई, यही बच रहा है। ये बच्चा काफी डर रहा है। आगे भाई आगे चलेंगे, देख सकते हो ये है कुछ सीन यहाँ का अंदर का। तो बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया प्लेस रहने वाला है भाई, ये देख सकते हो सेल्फी वगैरह चल रही है यहाँ पे और कुछ चल ही नहीं रहा भाई। तो भाई यहाँ बच्चे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं देख सकते हो, तो बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ पे आने के बाद। और तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके आए यहाँ पे और आगे चलेंगे भाई। लोगों हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज, और ये लड़की देख रहे हो सामने जा रही है सेल्फी पे, सेल्फी खिंचवा रही है अपने बॉयफ्रेंड से और कुछ काम नहीं है भाई इसका भी। बाकी ये है भाई सीन देख लो भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं और इसके ऊपर भी चढ़ के आप जा सकते हैं, ये है देखो। तो गाइस कितना बड़ा डायनासोर है देख सकते हो, इसके अंदर बच्चे हैं, क्या बोला तूने, जा रखे हैं अंदर बैठने के लिए और यहाँ से झूला भी झूल रहे हैं। बाकी ये देखो यहाँ से जा रहे हैं बच्चे ऊपर, ये देखो गाइस कितना बढ़िया है ना ये। तो गाइस फाइनली हम वेस्ट ऑफ वंडर से आ चुके हैं और मैंने 7 अजूबे आपको पूरे दिखाए जो जो थे, और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आप अपने बच्चों को लेके ज़रूर आएँ, आप फ्रेंड हैं तो आपके फ्रेंड के साथ आएँ, और बाकी अगर आप कपल हैं तो कपल के साथ भी आ सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया प्लेस रहने वाला है गाइस आपके लिए। इसका टिकट भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपीज़ टिकट है और संडे के दिन 100 रुपीज़ है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।